अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास किचन। आज हम बनाएंगे फलाफल, मिडिल ईस्ट की बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड। यहाँ पर मैंने ऑनियन ले लिया है, एक स्लाइस कर लिया है, 4 से 5 गार्लिक ले लिया है, 2 हरे मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, और जो है 3 कप सोख किए हुए काबुली चना ले लिया है। ये देखें इस तरह से थोड़े से ये फूल चुके हैं, साइज़ में ये डबल हो जाते हैं जब हम इसे सोख करते हैं। सारे चीज़ों को आप यहाँ पर ग्राइंडिंग जार ऐड कर लें और इसे ग्राइंड कर लें। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया और 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, ठीक है। और नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून। बस आप इसे ग्राइंड कर लें, बहुत इजी होता है, ठीक है। इसे आप कोर्सली ग्राइंड करें। ये देखिए मैंने इसका पूरा पेस्ट नहीं बना दिया है, इसे कोर्सली जो है ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करते समय इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड ना करें, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लिया है। बस आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और देखें थोड़ा सा 2 पिंच जितना मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड किया है। ये डालने से जो है हमारे जो फलाफल है अच्छे से फूले फूले बनेंगे और हल्के बनेंगे। बस आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको जो है राउंड शेप दे देना है बॉल का, और ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करके इसके जो है पैटीज़ बना लेना है, ठीक है। बस इसी तरह से मैं यहाँ पर सारे बना रही हूँ। और तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, आप तेल को जो है हाई फ्लेम पर गर्म कर कर फ्लेम को मीडियम पर कर दें, ठीक है। बस बहुत ही ईजी होता है, आप 1 से 2 ऐड कर लें, पहले देख लें कि अगर ये खुल रहे हैं तो आप इसे जो है थोड़ा सा इसमें आप चाहे तो बेसन भी मिला सकते हैं, ठीक है। बस मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर लिया है, बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। बस आपको इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है फ्राई कर लेना है, ठीक है। ये साइज़ में जो है थोड़ा सा अभी फूल जाते हैं, ठीक है। बस दो साइड भी आपको इसे अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखें ये जो है अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बस आप इसे निकाल लें तेल में से। ये देखें बहुत ही टेस्टी बनकर ये रेडी होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है इजिप्ट कंट्रीज़ में, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पर सारे फलाफल को फ्राई कर लिया है, बस आप इसे सर्व करें हम्मस के साथ। ये देखें हमारे यहाँ पर हम्मस भी बनकर रेडी हो गया है, मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं कि हम्मस किस तरह से आसानी के साथ घर पर बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है मिडिल ईस्ट में, इजिप्ट कंट्रीज़ में, और ये बहुत ही हाई प्रोटीन फाइबर होता है इसके अंदर काबुली चना में, तो आप इससे कोई भी खा सकता है। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंस्टाग्राम पर भी प्लीज़ मुझे फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।